रुकते कहाँ हैं जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। रस्तों के बंधन ना माने कोई जगह ना खोटी जाने, मंजिल तो मिल ही जाती है, मंजिल तो मिल ही जाती है, कोशिश से हर उलझन सुलझे। आज यहाँ कल कहाँ बसते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। थोड़ा धीरे भैया, थोड़ा धीरे धीरे। अरे भैया जरा संभाल के। हाँ बस पहुंच ही गए समझो, पहले ही बहुत जख्मी है। चिंता मत करो चंद्रभान जी। अरे यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे भीमा जरा आवाज तो लगाना। अरे कोई है, कोई है क्या? रहने दे रहने दे रहने दे, वो अपना किशन है ना, वो यहीं पर ही काम करता है। ओ किशन, ओ किशन, आप ठहरो मैं देख के आता हूँ। हाँ हाँ देख कर आ जाओ। कितनी बेदर्दी से मारा है बेचारे को, पता नहीं क्या दुश्मनी रही होगी। ये इधर का तो लगता नहीं। नहीं। हाँ चंद्रवान जी ठीक कहते हो आप, इसे सुजानपुरा में तो कभी देखा नहीं। भगवान इसकी रक्षा करे, किसी भले घर का लगता है ये। हाँ हाँ। अरे भैया यहाँ कब तक खड़े रहेंगे, बहुत देर हो गई है, चलो अंदर लेके चलते हैं इसे। अरे उठाओ इसे ऊपर आराम से। हाँ हाँ हाँ, धीरे भैया धीरे धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, खुदा का शुक्र है किशन मिल गया। भैया वो तो ठीक है, तू ये बता डॉक्टर उस्मानी को इतला करी के नहीं? किशन गया उनको लेने के लिए, आते ही होंगे। ना हो तो बिरजू तुम ही चले जाओ। शांति रखो भीमा, क्यों हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हो? लो डॉक्टर साहब आ गए। लगता है मारपीट हुई, जख्म गहरा है। हाँ डॉक्टर साहब लगता तो कुछ ऐसा। लगता है क्या मतलब, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है या नहीं? जी नहीं। पहले आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए फिर देखेंगे। अरे डॉक्टर बाबू तब तक तो ये निपट लेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले आप रिपोर्ट दर्ज कराइए तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। जाइए पहले आप रिपोर्ट दर्ज करा कराइए। वो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मरीज को मरहम पट्टी और दवा की जरूरत है। वो मुझे पता है, मुझे कानून मत समझाइए, ना जाने कल को क्या बखेड़ा खड़ा हो जाए। डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, अपना काम कीजिए। और रही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात, तो आप करा देते? तो जाइए ना, पहले आप करवा के आइए। देखिए डॉक्टर साहब, कोई भी कानून ये नहीं बताता कि मरीज की तिमारदारी ना की जाए। अगर आपकी जिद की वजह से इसे कुछ हो गया तो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब इसकी मरहम पट्टी कर दीजिए और इसे दाखिल कर लीजिए, सुबह जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ओके आप लोग यहीं रुकिए, किशन ने मेरे कमरे में लेकर आओ। सर किशन तुम बैंडेज का सामान और गर्म पानी लेकर आओ। चंद्रभान जी अगर आप नहीं होते ना तो आज तो ये गया था। अरे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं कतराता, फौजदारी हो या एक्सीडेंट, पुलिस में तो रिपोर्ट करानी ही चाहिए, लेकिन हाँ इसके बिना इलाज को नहीं रोका जाता। हाँ ठीक कह रहे हो चंद्रभान जी।
परवेश जी, तू जा, अब समय भी काफी है, तू ऐसा करना पुलिस चौकी होते चले जा। ठीक है, मैं चलता हूँ। चंद्र भांजी, बात कुछ समझ में नहीं आई, इस अजनबी से किसी सुजानपुरा वाले की भला क्या दुश्मनी हो सकती है? भैया ये बात तो मेरी बुद्धि में भी नहीं आ रही है, बस उसे होश आ जाए तब पता चले। हो सकता है कोई पुरानी दुश्मनी रही हो। अरे इसकी कार भी भली चंगी खड़ी है और देखने से कहीं ऐसा भी नहीं लगता कि किसी ने ठोक दी होगी। कुछ नहीं कहा जा सकता, बस वो ठीक हो जाए, हम सब तो यही चाहते हैं। सही बात। चंद्र भाई अगर आप कहें तो इसकी कार इधर ही लाकर खड़ी कर दूं। नहीं भैया, तू रहने दे, इस काम के लिए मैंने परवेश को लगाया है, उसी को करने दे ये काम। वापस मैंने मरम पट्टी कर दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है, लगता जल्दी होश आ जाएगा। सब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, मैंने जो काम कहा है वो जरूर कर देना। डॉक्टर साहब आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने परवेश को इसी काम के लिए भेजा है, वो चौकी में रिपोर्ट लिखवा कर ही आएगा। ठीक है। चल भैया अब हम भी चले, अपना कृष्णा तो यहाँ है ही, वो रात भर यही रहता है, वो देखभाल कर लेगा। ठीक। कृष्णा। जी चंद्रभान बाबू। भैया हम चलते हैं, उतरा उसका खास ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें, मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगा। अच्छा चल भैया, देखें उसकी ऐसी किसने दुर्गति बना है। हाँ देखते हैं कौन है, कहाँ छुपा हुआ है। हाँ चलो, पता तो लगे। कौन? अरे वहाँ मैं। हाँ तू, छाती में ठंडक पड़ गई, मिल गई ना शांति उसे जख्मी करके। ऐसा नहीं सोचा था मैंने, अब अगर वो घायल हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा तो क्या कसूर उसका रहा था? मुझे नहीं पता। तुझे सब पता है, सच को छुपा रही है तू। चल ऐसा ही सही, पर तुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि उसकी नियत, उसके इरादे गलत नहीं है। जीवन की राह को बदलने की बात करता है तो क्या गलत करता है? मुझसे ज्यादा नहीं जानती है तू उसे। हो सकता है, लेकिन उसका तुझे समझाना इतना बड़ा कसूर तो नहीं था। कसूर बड़ा या छोटा नहीं होता, अपनी बातों को मनवाने के लिए शोर जबरदस्ती क्या ठीक थी? ऐसी क्या चोट पहुंचाई थी उसने जो तूने इतनी बड़ी सजा दे डाली? कागज की नाव पर बार बार सवार होने की नसीहतें देता है। जो कहता है क्या गलत कहता है? कई साल हो गए उसकी बातें सुनते सुनते, उसकी बातें खोखली लगती हैं। बहुत प्यार है ना तुझे अपने बेटे सूरज से? माँ हूँ इसकी, नहीं होना चाहिए। तब फिर क्या देगी इसे इसका भविष्य? एक कीड़े का नफरत में पलता बढ़ता जीवन? क्यों? क्या अपने काले साए से अलग रख पाएगी तू इसे? इसी के लिए तो ये जीवन अपनाया है, इसी के लिए रोज इस पाप के समंदर में डूबती हूँ। झूठा भ्रम जिसे रोज छलते हैं अपने आप, इस भ्रम जाल से बाहर निकल पाऊ क्या करूं मैं क्या करूं? सही राह पर एक कदम मंजिल दे सकता है? मुझ में हिम्मत नहीं है, मेरे पैर डगमगाते हैं, मैं लाचार हो चुकी हूँ। तभी तो सहारा बन वो बार बार तेरे सामने आता है। तुझे पता है वो कैसा है? वो जीवित भी है या फिर? नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। पर तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं जा रही हूँ उसके पास, वो ठीक होगा। चल अच्छा है, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर तुझे उसकी चिंता तो हुई? मुझे कुछ नहीं पता, इस वक्त मैं कुछ नहीं जानती। Thank you.
कौन? अच्छा परमु, तुम हो? अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी कुछ मदद ही हो जाएगी। घबराने कोई बात नहीं है, घाव गहरा है, सुबह तक शायद होश भी आ जाए। तुम इन्हें जानती हो? मैं हाँ, नहीं नहीं तो। इतनी घबराई हुई क्यों हो? रात तो रुकोगी ना इधर? हाँ रुक जाऊंगी। किशन? हाँ बोलो, क्या बात है? ये जिंदा तो है ना? हाँ जीवित तो है, पर मारने वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर जरा सी ऊपर लग जाती तो बस बाबूजी का हो गया था काम। तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, अगर बोतल में पानी खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं इधर कमरे में लेटा हूँ। ठीक है। रुक रुक जीवा, ओए रुक। क्यों भाई क्यों? ओ अच्छा ये बात है। ए जरा देख तो। ले भाई जीवा, लगता है ये मिस्त्री की डलियां तो हमारे लिए ही आई हुई हैं। और यार वो तो सब ठीक है, पर मनसा देख पाल के और कहीं कोई लफड़ा ना हो जाए। चुप करो, है लफड़ा नहीं हो जाए, चूहे जैसा दिल मत दिखा, छत्ती कर। अच्छा, और जैसे तू बड़ा मजनू का बाप है। मजनू का बाप? असी तो जवान पट्टे हैं। तू बता तुझे कौन सी पसंद है? मुझे सोच मत ओए, ऐसा कर आ जा। चल फिर चल। बाणिया दे टट्टू ते टप चढ़ दी बोलो नड़ा। मैं क्या जी, ओ किस सेवादारी में बैठे हो सज धज के? ओए होए, ये सुजानपुरा की रात्रि सेवा है, रुकना है या फिर आगे जाना है? और ये हुई ना बात, सुनियो। ओए तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। दिल की बात छोड़ो, आंटी की बात करो आंटी की। ये रास्ता क्या सही जगह जाता है? तमड़ी पास हो सही जगह पर भी पहुंचा देगा। वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? हाय 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 हाय, हमें तो तुम जहाँ ले जाओगी उसी रास्ते पे चल देंगे। हाँ तो चलो फिर। चलो। हाय, चांद उतर आया है वीराने में। अच्छा ये बताओ सेवादारी किधर होगी? अब यहाँ कोई पांच तारा होटल तो है नहीं जिसे ढूंढने जाना पड़ेगा। अरे उसकी चिंता क्यों करती हो, हम है ना बनवा देंगे। तुम भी रुक गए बाबू, बोलो दो घड़ी रुकना है क्या? वो नाम क्या उसका? और ठीक है ना सोने हो? यहाँ नाम नहीं, काम से काम होता है बाबू। वो चाहिए क्या? वो पम्मी है ना वो? कहा ना, यहाँ किसी का कोई नाम नहीं होता। बोलो चलना है। तुम उसे जानती हो? ओहो लगता है तुम ही कुछ ज्यादा जानते हो। अरे बाबू खाली पीली क्यों टाइम खराब करते हो? देखो मुझे मुझे जवाब दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो पम्मी है ना? बताओ ना क्या वो पम्मी है? तुमसे ज्यादा कलमन तो तुम्हारा दोस्त निकला, बिना छी चपट किए अपना रास्ता पकड़ लिया उसने। वो तो हम भी तैयार हैं। चलो। आखिर तुम बताती क्यों नहीं हो वो पम्मी ही है ना? लगता है बहुत पैसा है तुम्हारे पास, तभी तो चार छह दिन बाद मुंह उठाए चले आते हो। अम्मा को पता चल गया तो एक ही दिन में हलाल कर डालेंगी, समझे? नहीं जूना बाई नाम है उसका, जूना बाई। कभी हला लिया झटके का खा लिया करो बाबू। अरे हमारे बाबू तो शाकाहारी है, शाकाहारी वेजिटेरियन। तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि टुडा का जीवन कितने अंधकार में है। किसका जीवन अंधकार में है? अरे बाबू कोई पार्टी वार्टी का टिकट कटवा लो और बेवाराम की तरह नेतागिरी की खाया करो। पम्मी ठीक कह रही है, सोच कर देखो वरना रोज आ जाए करो।
हम समझा देंगे अच्छी तरह। और क्या, अभी मेवा राम की तरह नेताई भाषण झाड़ते रहते हो। ऐसे मत मिलो, उनसे दूर रहो, ये मत करो वो मत करो, अपना ना सही बच्चों का भविष्य सोचो, जानलेवा बीमारियों से दूर रहो, और ऐसे नहीं कंडोम का इस्तेमाल करो। अरे बाबू, तुम नहीं समझोगी रेहाना, अगर मैं यहाँ एक जीवन भी गुजार दूँ ना तुम नहीं समझोगी। जरा अच्छे से समझाओ अंकल को। उठ, उठ, उठ चल, जाकर बाहर खेल, आई बड़ी दुनियादारी सिखाने, पीटी कहेंगे। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बिगड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ, जरा उसकी उम्र तो देखो। अरे लड़कियों, कमरा खाली करो, चूड़ा पता नहीं क्या गुल खिलाकर आ रहा है। सुना कुछ, अम्मा तुमसे भी कुछ कह रही हैं। पम्मी तू ही समझाना अपने राघव बाबू को। राघव बाबू, ओ कमाल है सोने, ओ मारे तुम्हारे बीच में ये राघव बाबू कहां से आ गए? तुम यही ठहरो, मैं तुम्हारे पास अभी उसको भेजती हूँ। भाई ये क्या बात हुई विमला, सुन जरा इधर। अब तुम्हें क्या हुआ? तू इसके पास हो, मैं वहां से आती हूँ। ठीक है। क्या बात है, फिर राह सुझाने आए हो या आज खोदरा भूलने का दिल है? तुम दुनिया के किसी कोने में मुझे जीने भी दोगे या नहीं? तुम पम्मी हो ना? नाम में क्या रखा है, लोग जिसे ढूंढते हुए यहाँ आते हैं वो नाम नहीं जिस्म होते हैं। ओह, तो तुम आज भी उसी धंधे में लिप्त हो? तुमसे मतलब, जगह बदल जाने से पेट की आग खत्म नहीं होती। तुम्हें इस धंधे में लिप्त देख मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे नहीं, बल्कि मुझे तो आज और नफरत हो गई है तुमसे। देखो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो तुम। मुझे जरूरत नहीं है। देखो तुम अपने अपने जीवन को नष्ट क्यों कर रही हो पम्मी? क्या पम्मी पम्मी लगा रखा है, मर चुकी है पम्मी। देखो तुम्हें यही मौका है, तुम अपने जीवन को बदल सकती हो, नई राह चुन सकती हो। देखो राघव बाबू तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं क्या कर लूंगी। ये क्या है, देखो तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैं फिर कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ और अपना रास्ता पकड़ो। क्यों, तो तुम नहीं मानोगे? नहीं नहीं राघव बाबू, अपनी हद में रहो। मुझे अपनी हद मालूम है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर लूँ तो तुम नहीं मानोगे? क्या कर लू मैं? वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। नंबरदार की नौटंकी का तो जवाब ही नहीं। ठीक कहते हो चंद्रभान भाई, क्या चूल्हे मटकाती है। और फिर भूषण सान, ससुर का नाती पेट में ही दर्द किए रहा। अगले हफ्ते और रहेगी जो मिर्जू, क्या इरादे हैं? हाँ हाँ सब चलेंगे, फिर देखेंगे। हाँ क्यों नहीं, हाँ हाँ चलेंगे, सब चलेंगे, चलो। अरे बाप रे, वो कौन शेरी बाबू पड़ा है, जरा देखना तो भीमा। आओ आओ, अरे इसके तो खून बह रहा है देखो। अरे चंद्रभान जी देख तो लो, जिंदा भी है या नहीं? अरे तू पागल हो गया है, ये यहाँ पड़ा रहा तो वैसे ही मर जाएगा ये। उठाओ इसे, चलो परवेश जरा हाथ लगाओ, उठाओ उठाओ, शाबाश, जल्दी लेके चलो, चलो चलो चलो। अब खतरे की कोई बात नहीं है, तुम चाहो थोड़ा आराम कर लो। नहीं मैं ठीक हूँ। तमाम रात जाकर काटी है, तुमने बताया नहीं, तुम इन्हें जानती हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। Thank you.
कौन हो तुम और क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? मैं हमेशा तुमसे दूर जाना चाहती हूँ और तुम हर बार मेरे रास्ते में आकर खड़े हो जाते हो। बताओ क्यों करते हो ऐसा? बोलो, जवाब दो। परमू, तुम और यहां क्यों? होशियार सिंह, क्या इन्हें यहां नहीं होना चाहिए? किशन बता रहा था कि तमाम रात इन्होंने ही तीमारदारी की है इनकी। ओह अच्छा, भाई जख्म देने वाले तीमारदार भी हो जाते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। समझोगे भी नहीं डॉक्टर, तुम अपना काम करो। सुजानपुरा में रहते जरूर हो, लेकिन असली सुजानपुरा को ये होशियार सिंह ही जानता है। होगा भाई। परमू, ये जनाब तुम्हें कहां मिल गए? जी तुम इन्हें जानती हो? तुम पुलिस वालों की यही एक खराब आदत है, पूछताछ करने आप इन जनाब की आए थे और पूछताछ का बिस्मिल्लाह कहीं और से। डॉक्टर, तुम्हें पता है मैं नाम का ही खाली होशियार सिंह नहीं हूं, काम में भी होशियार रहता हूं। तो जनाब इंस्पेक्टर साहब, गोया आप काम को भी अंजाम दे देते हैं। ठीक जा रहे हो डॉक्टर है? तुम्हारे पाले में खड़ा हूं ना, इसलिए उड़ा लो मजाक। नहीं नहीं, मक्खियां तो आप उड़ाइए जनाब, मुझे तो काम करने दीजिए, पाला फिर किसी दिन फांद लेंगे। तुमने होशियार सिंह को गाड़ी के बारे में बताकर बहुत अच्छा किया। वो तो बताना ही था चंद्रभान, वरना तुम तो जानते हो बाल की खाल निकालने की आदत है उसकी। लगता है होशियार सिंह अभी तक आया नहीं। खैर हमें क्या, वो जाने उसका काम जाने। शायद बाबू को होश आ गया हो। इंशाल्लाह रहम करेगा मौला। ठहरिए ठहरिए, अभी इधर ही रहिए। क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत ही है, होशियार सिंह आए हैं, साथ में डॉक्टर साहब भी हैं। कहाँ है? अंदर है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं, होशियार सिंह पूछताछ के लिए आए हैं। आपने रिपोर्ट तो कर दी होगी? हाँ कर दी। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं यहीं बैठते हैं, अंदर शायद कोई जरूरी मशवरा चल रहा होगा। हाँ ठीक है, तशरीफ रखिए। ऊपर वाले तेरा शुक्र है। ठीक है मिस्टर राघव, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा जख्म गहरा है, 4-6 दिन लगेंगे इसे सूखने में, तब तक तुम्हें यहाँ रहना होगा। जी यहाँ? अरे ये कोई कैदखाना नहीं है भाई, ये हॉस्पिटल है। दरअसल मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे। राइट डॉक्टर, क्या कुछ पूछताछ मैं भी कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी आराम से तहकीकात कर सकते हो। नाम? अच्छा आपको भी बताना पड़ेगा, मैं समझा आपने सुन लिया होगा जब डॉक्टर उस्मानी पूछ रहे थे। वैसे राघव नाम है मेरा, राघव कपूर। पता? न ठौर न ठिकाना, सारा जहां हमारा। शायरी नहीं मिस्टर राघव, पता बताइए। खाना बदोश। आखिर कोई परमानेंट एड्रेस तो होगा? हाँ लिखिए, P25A साकेत, नई दिल्ली 110017। मस्करी की वजह? मैं समझा था आप मेरे जख्मी होने की वजह पूछने आए हैं। आप परमू को जानते हैं? कमाल है, जो मैं सोच रहा था वो सब आप पूछने ही नहीं आए। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि रात में क्या हुआ था? हाँ, अब पूछताछ शुरू हुई ना। मस्करी छोड़िए और ये बताइए कि रात में क्या हुआ था। बता रहा हूं, मैं मेरठ जा रहा था, हाईवे पे अचानक मेरी कार बंद हो गई, मैं देखने के लिए बाहर निकला,
जैसे ही बाहर निकला शायद कोई पत्थर मेरे पैर के नीचे आ गया। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और गिर गया, शायद किसी पत्थर से टकरा गया। आप किसी पत्थर से टकरा गए थे या आपकी नजरें किसी से टकरा गई थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसे जानते हैं आप? ये परमो है। परमो रुकते कहाँ है जब बढ़ जाते हैं ये बढ़ते कदम, हैं ये बढ़ते कदम। अंगारों में फूल से खिलते हैं ये बढ़ते कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते कदम। Thank you.